The Doctor's Word by R.K. Narayan। The Doctor's Word is a short story from the collection of Malgudi Days by R.K. Narayan, published in 1948. The Doctor's Word में R.K. Narayan हमारे पास ईमानदारी, मित्रता, अनिश्चितता, जाने देना, डर, संबंध, विश्वास, करुणा और संघर्ष का विषय है। उनके माल डे संग्रह से कहानी को तीसरे व्यक्ति में एक अनाम कथावाचक द्वारा सुनाया जाता है और कहानी पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि नारायण अनिश्चितता के विषय की खोज कर रहे होंगे रामू अनिश्चित है कि गोपाल कैसे बच गया जब वास्तविकता यह थी कि वह वास्तव में गोपाल के मरने की उम्मीद कर रहा था यह भी दिलचस्प है कि गोपाल रामू की बात पर भरोसा करता है और उसकी हर बात मानता है हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि रामू गोपाल को रात के लिए छोड़ने से पहले झूठ बोलता है यह झूठ दिलचस्प है क्योंकि रामू खुद के साथ संघर्ष में दिखाई देता है व्यावसायिक रूप से वह बहुत उम्मीद नहीं रखते हैं कि गोपाल जीवित रहेगा हालांकि व्यक्तिगत रूप से वह गोपाल के जीवित रहने की लालसा रखता है इसलिए रामू अपने दोस्त से जुड़ा हुआ है यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि गोपाल की पत्नी डर से भरी हो कि गोपाल की मृत्यु हो सकती है क्योंकि यह बताता है कि वह गोपाल से बहुत प्यार करती है कि उनकी एक खुशहाल शादी हो एक समझदारी यह भी है कि रामों के मरीज उनकी ईमानदारी की सराहना करते हैं यह ऐसा है मानो वे रामों के साथ खड़े हैं यह भी ध्यान देने योग्य है कि रामू को अपने रोगियों से झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है लेकिन जैसा कि गोपाल की बात आती है रामू उसे सच बोलने और झूठ बोलने के बीच फटा हुआ है एक भावना यह भी है कि रामू गोपाल को जाने नहीं देना चाहते हैं। वह साधारण रूप से उसका शौकीन है और गोपाल के परिवार को गोपाल की बीमारी के बारे में पहले से सूचित नहीं करने के लिए डांटता है यह इस कारण से है और संभवतः गोपाल को सांत्वना देने के लिए कि रामू ने गोपाल से झूठ बोलने का फ़ैसला किया होगा कि उसकी हालत कितनी गंभीर थी हालांकि दोस्ती के लिए ईमानदारी को एक शर्त माना जाएगा रामू ने गोपाल को यह बताने के लिए खुद को नहीं लाया कि उसकी हालत कितनी खराब है भले ही मामले इतने गंभीर हैं कि गोपाल रामू को मरने से पहले अपनी इच्छा पर हस्ताक्षर करना चाहता है उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है यदि रामू अपने रोगी गोपाल के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गया है ऐसा कुछ जो एक डॉक्टर को कभी भी करने का प्रयास करना चाहिए जैसा कि वह कर सकता है और उनकी व्यावसायिकता को प्रभावित करता है अगर रामू वास्तव में खुद को किसी मुश्किल स्थिति में पाता है जैसे कि गोपाल के साथ उनकी मित्रता को उनके व्यावसायिकता ने चुनौती दी है यह भी दिलचस्प है कि गोपाल को मरने का डर नहीं है हालांकि वह डरता है कि सुबैया और उसका गिरोह क्या कर सकता है क्योंकि उसे अपनी इच्छा पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह बताता है कि गोपाल यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि उसके परिवार की देखभाल की जाए हालांकि वह मरने के करीब है लेकिन उसकी प्राथमिकता उसके परिवार की है कुछ ऐसा जो गोपाल की पत्नी के साथ भी ध्यान देने योग्य है कहानी के दौरान वह गोपाल के लिए वास्तविक चिंता दिखाती है वास्तव में वह उससे मरने से डरती है जो गोपाल और उसकी पत्नी दोनों के बीच मज़बूत संबंध का सुझाव देती है यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि रामू गोपाल की पत्नी को एक पड़ोसी के घर में रहने का निर्देश दे क्योंकि असंभव है कि रामू को संदेह हो कि अगर गोपाल की मृत्यु हो जाती है तो गोपाल की पत्नी के लिए दुख भी प्रबल होगा हालांकि कुछ आलोचकों का सुझाव हो सकता है कि रामू गोपाल की पत्नी को कमज़ोर मानता है और जो कुछ भी हो रहा है उसे सहन करने में असमर्थ है इसलिए उसे पड़ोसी के पास जाने के लिए कह रहा है वास्तविकता बहुत अलग हो सकती है रामू को गोपाल की पत्नी पर दया आ रही थी और वह मौका दे सकती थी कि वह अपनी पूरी क्षमता से कुछ आराम कर सके कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि रामू को उम्मीद है कि जब वह सुबह घर आएगा तो गोपाल की मौत हो जाएगी हालांकि जब उसे पता चलता है कि गोपाल अभी जीवित है और बेहतर हो रहा है तो वह चीजों का पता नहीं लगा सकता रामू ने गोपाल के मन को शांत करने के लिए अपने मित्र से झूठ बोला था और अब पाठक को पता चलता है कि यह रामू का दिमाग है जो सहज है उसके वचन को नहीं तोड़ा गया है क्योंकि वह जानता है कि उसने झूठ बोला है न केवल गोपाल बल्कि उनके सभी रोगियों के साथ उनका विश्वास बना हुआ है रामू अभी भी अपने शब्द का एक आदमी है हालांकि वह हैरान रह जाता है कि गोपाल रात में कैसे बच गया यह भी ध्यान देने योग्य है कि रामू गोपाल करुणा दिखाने के लिए तैयार थे जब रामू अपने सहायक से दवाई की नली लाने के लिए, के लिए कहता है तो पाठक को कुछ पता चल जाता है क्योंकि गोपाल का दर्द बहुत बढ़ गया है करुणा का यह स्तर दिलचस्प है क्योंकि रामू अपने समय आने पर अपने मरीज दोस्तों या किसी को पीड़ित नहीं करना चाहता है कहानी के दौरान रामू की नंबर एक चिंता उनके रोगियों की रही है उन्होंने एक समर्पण और व्यावसायिकता दिखाई है जो गोपाल की देखभाल करने वाले दूसरे चिकित्सक द्वारा बेजोड़ है रामू ने भले ही झूठ बोला हो लेकिन न केवल एक दोस्त के लिए बल्कि उसके एक मरीज के लिए भी दया का भाव था पाठक को कहानी के अंत में इस तथ्य से भी आश्वस्त किया जाता है कि हालांकि रामू को नहीं पता कि गोपाल कैसे बच गया फिर भी वह भी, भी राहत और खुश नहीं है सारांश का अंत धन्यवाद